अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज हाज़िर हुई हूँ फिर से आपके साथ कुछ मज़े की बातें करने। तो आज अम्मी के बहुत इसरार पर मैं कुछ दिनों के लिए घर आ ही गई हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैंने सबको सरप्राइज़ दिया और अब आप देख ही सकते हैं जामिन साहब की नानी का रिएक्शन। बालू आ गया, छोनू आ गया, हैरान हो रहा है। आला क्या बच्चा आ गया। हाँ, हाँ, ये क्या है? ये काची वाले भाई घर आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नाश्ता बना बनाया मिल जाता है और जामिन साहब जहाँ जाते हैं इनका 2 दिन के साथ लाजमी होता है। और यहाँ आकर पता चला कि जामिन के मामू ने इनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार कर रखा था और जैसा कि आप सब देख सकते हैं जामिन को अपना गिफ्ट बेहद पसंद आया। साथ साथ मैंने सोचा कि जामिन की खिचड़ी की रेसिपी आप सबसे शेयर कर दूँ। तो ये जी मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी 1/2 घंटे के लिए और अब इसको हल्की आंच पर चढ़ा दिया है। साथ साथ मैंने सोचा कि चावल भी भिगो दिए जाएं। दोस्तों, आपका बच्चा शौक से खाने में क्या खाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल फट चुकी है, तो अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं और साथ साथ चावल भी अब पकते जा रहे हैं। जब चावल बहुत अच्छी तरह पक जाएंगे इनका पानी हम सुखा देंगे और फिर उसको अच्छी तरह मैश करके हम तैयार कर लेंगे। ना गैस जा चुकी है तो अब बकिया खिचड़ी सिलेंडर पर तैयार हो रही है। आखिर में मैंने दल घुटनी से इसको अच्छी तरह मैश कर दिया है तो जनाब जामिन साहब की फेवरेट डिश तैयार हो चुकी है। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी तो मैं ले आई नीचे से सिर्फ 100 रुपए में बन कबाब और 50 रुपए में फ्राइज़। ये हम गरीबों के बर्गर और फ्राइज़, तो जी कैसे लगे, है ना मज़ेदार बात। और ये जामिन साहब खिचड़ी तनावल फरमाने के बाद निकले हैं मामू के साथ सैर सपाटे को। जामिन साहब ज़्यादातर इन्हीं मामू के साथ आपको नज़र आएंगे। तो जी खेलते कूदते और शरारते करते अब जामिन साहब को आ गई है नींद, तो अब मैं चली इन्हें सुलाने। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।